देवरानी, टीना और अनु देवरानी जिठानी थी टीना छोटी बहू थी की तैयारियां ही देख लेना बेटा टीना तो अभी नई नई आई है उसे अभी हमारी पसंद नापसंद जानने में थोड़ा वक्त लगेगा फिर तुम तो जानती हो ना अंकुर और तुम्हारे पापा जी खाने के टेस्ट के मामले में कितने पर्टिकुलर है खाना उनके हिसाब से नहीं बना तो पूरा घर सर पर उठा लेंगे मैं देख लूंगी मम्मी जी मैं जानती हूँ पापा जी के गुस्से के आगे ठीना नहीं पाएगी। और मेरे रहते उसे किसी के नाराज की नाराजगी नहीं झेलनी पड़ेगी आप चिंता ना करें अनु को भी अभी घर में आए तीन साल ही हुए थे लेकिन तीन साल में उसने जैसे तीस साल के बराबर अनुभव जमा कर लिया था नई नवेली दुल्हन होने पर भी उसने कभी किसी काम से मुंह नहीं मोड़ा ससुर के गुस्सैल स्वभाव से डरे और घबराए बिना अनु ने न जाने कितनी ही बार उनकी डांट खाई लेकिन हार नहीं मानी कुछ ही दिनों में अनु पूरे घर की जान बन गई थी ऐसा कोई काम या सामान नहीं था जिसकी जानकारी अनु को ना हो जब मैं शादी करके आई तो मैं अकेली थी मेरी मदद करने वाला यहाँ कोई नहीं था लेकिन टीना के लिए तो मैं हूं मैं कभी नहीं चाहूंगी कि पापा जी और अंकुर का जो गुस्सा मैंने झेला टीना भी वो सब बर्दाश्त करे अनु चाहती थी कि वो धीरे धीरे टीना को घर में सबकी पसंद के अनुसार ढलना सिखाए लेकिन आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि उंगली पकड़ाई तो पकड़ लिया कहने का मतलब है कि देवरानी टीना ने अनु के लाड़ प्यार और समझदारी का गलत ही मतलब निकाल लिया था उसे तो काम चोरी और जिठानी पर ऑर्डर चलाने की आदत हो गई थी टीना पूरा पूरा दिन बढ़िया से सज सवर कर यूट्यूब पर मेकअप वीडियो देखती जबकि जिठानी अनु अकेले ही घर के कामों में उलझी रहती धीरे धीरे समय अपनी चाल से आगे बढ़ता रहा और दोनों देवरानी जिठानी दो बच्चों की माँ हो गयी लेकिन टीना के रवैये में अभी भी कोई अंतर नहीं आया था घर में इतना काम रहने लगा था कि अनु को बस काम के अलावा कुछ सूचता ही नहीं था अनु भाभी वो टीना भाभी घर पर है क्या हाँ हाँ है ना तुम बैठो मैं बुलाती हूँ उसे टीना और रीटा भी बात कर रहे थे कि अनु चाय देने के लिए उनके कमरे में जाती है तो देखती है कि वो दोनों उसके बारे में ही बात कर रही हैं।

कहीं मैली ना हो जाए <laughs> भाभी कल तो मौली मोहल्लिकी औरतें बातें कर रही थी कि टीना को तो ग्रूमिंग क्लास शुरू करनी चाहिए ताकि सब आपकी जैसी इंग्लिश बोलना और पर्सनालिटी डेवलप करना सीख सके अच्छा भाभी जब आप पर्सनालिटी कोच बनोगी ना तो सबसे पहले अपनी जिठानी को ही ग्रूम करना <laughs> मुझे लगता है सबसे ज्यादा अनुभा को इसकी जरूरत है अरे भाभी कहाँ आप कहाँ वो कहा आपके डिजाइनर साड़ियाँ, स्लीवलेस ब्लाउज और कहा उनकी घरेलू काम वाले टाइप साड़ियां और उलझे बाल आपका उनके साथ तो कोई मुकाबला ही नहीं है भाभी आपकी सास क्या भांग पीकर उन्हें पसंद करके ब्याह <laughs> कर कर लाई थी इतना कहकर दोनों ठहाका लगाकर कर हंसने लगती है पड़ोसन रीटा के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर टीना बहुत इतरा रही थी लेकिन दरवाजे पर खड़ी अनु ने जब ये सारी बातें सुनी तो उसे बहुत दुख पहुंचा जॉइंट फैमिली में सबके काम निपटाते हुए कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता खुद के लिए समय निकाल ही नहीं पाती क्या करूँ अब तो ये बिखरे बाल ही लोगों के लिए मेरी पहचान बन गए अनु अभी सोच ही रही थी कि उसका बेटा उसके पास आता है मम्मा कल स्कूल में मेरा पीटीएम है है मैम ने कहा आपको भी आना है अरे बेटा कल सैटरडे है ना सबकी छुट्टी होती है मेरे पास बहुत काम रहता है तो ऐसा कर पापा को साथ लेकर चले जाना हाँ क्या मम्मी हमेशा पापा को ही पीटीएम में भेज देते हो सबकी मम्मी आती है और इस बार तो टीचर ने स्पेशली कहा है कि आपको आना ही है वो कुछ डिस्कस करना चाहती हैं बेटे की बार बार जिद सुनने के बाद आखिर में अनु पीटीएम में जाने के लिए तैयार हो जाती है अगले दिन अनु आज छोले भटूरे बनाना नाश्ते में और हाँ तुम्हारे हाथ के खाने तुम छोटी पर काम देना पापा जी ने कह दिया तो कह दिया अब अगर मैंने कहा कि मुझे आदि के साथ स्कूल जाना है तो पापा जी नाराज हो जाएंगे जल्दी जल्दी सब काम खत्म कर लेती हूँ फिर चली जाऊंगी अनु रसोई में जाकर जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करने लगती है उधर देवरानी टीना अच्छा सा मेकअप करके ब्लैक शिफोन की साड़ी पहनकर मीटिंग में पहुंच जाती है टीना टीचर से गिट-पिड गिट-पिड इंग्लिश में बात कर रही थी जिससे उसकी बेटी डिम्पी गर्व से फूली जा रही थी मीटिंग के बाद डिम्पी तुम्हारी मम्मा तो बहुत स्मार्ट और गुड लुकिंग है आपको भी अपनी मम्मा की तरह अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल इंप्रूव करनी है जी मैम घर के किसी भी काम में हाथ लगाए बिना अनु मीटिंग अटेंड करके घर लौट आई जिससे उसे भर भर कर तारीफे भी सुनने को मिल गई थी इधर जिठानी बेचारी घर की सफाई और नाश्ते में लगी हुई थी मम्मा बस टीचर साढ़े बारह बेटे का उदास चेहरा देख अनु जल्दी जल्दी में एक सिंपल सा सूट पहनकर बालों का जूड़ा बांधकर तैयार हो जाती है और स्कूल पहुंच जाती है स्कूल पहुंचकर आदि ने देखा कि बाकी के बच्चों की मम्मी कितनी मॉडर्न और सुंदर ड्रेस पहनकर आई हुई है जबकि उसकी मम्मा बाकी औरतों से बिल्कुल अलग दिख रही थी आदि ये तेरी मम्मी है हाँ क्यों क्या हुआ <laughs> कुछ नहीं यार बस ऐसे ही पूजा आदि ने देखा कि शुभम बाकी बच्चों के साथ मिलकर मुंह छिपाकर हंस रहा है मीटिंग खत्म होने के बाद मम्मा आप ऐसे बनकर क्यों रहती हो आपने देखा बाकी बच्चों की मम्मियाँ कैसे टिप टॉप लगती है और एक आप हो आपने कितने साल पुराना सूट निकाला था आज मीटिंग के लिए अरे ये क्या बात हुई बेटा

अब रहने दो मम्मा गलती मेरी है जो मैं आपको साथ लेकर आ गया मुझे पापा को ही ले आना चाहिए था अगले दिन स्कूल से आने के बाद आदि अपनी दादी के पास जाता है दादी आप पापा को बोल देना आज के बाद वही मेरे साथ स्कूल मीटिंग में जाए मम्मी ने तो स्कूल में जाकर मेरी बेइज्जती करवा कर रख दी अब जब से मम्मी स्कूल से आई है मेरी क्लास के बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं आप ही बताओ क्या जरूरत थी मम्मी को ऐसा पुराना सा सूट पहनकर मेरे स्कूल जाने की और क्या मेरे लिए वो इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकती आपने मेरे पापा की शादी ऐसी अनपढ़ लड़की से क्यों करवाई दादी अगर मेरी भी चाची जैसी मम्मी होती तो कितना अच्छा होता मैं भी सारे दोस्तों के सामने और क्लास में भी सब मुझसे हो जाते ये कैसी बात कर रहा है बेटा तू तुझसे कहा कि तेरी मम्मी अनपढ़ है जब तेरी मम्मी शादी करके इस घर में आई थी ना तो वो इंटर कॉलेज में संस्कृत की गेस्ट लेक्चरर थी वो तो घर की जिम्मेदारियां और तेरे जन्म के बाद उसने नौकरी छोड़ दी और घर गृहस्थी में ही रम गई जिस माँ ने अपना करियर तक इस परिवार के लिए दांव पर लगा दिया आज उसके साथ जाने में उसके बेटे को शर्म आ रही है बेटा घर में जो ज्यादा जिम्मेदार होता है ना उसे अपने बारे में सोचने का समय नहीं मिलता तेरी मम्मी दिन के चौबीस घंटे सिर्फ हम सब के लिए ही जीती है और जो अंग्रेजी ना बोल पाए वो अनपढ़ होता है क्या ऐसा किसने कहा तुझसे कल तू तु अपनी अंग्रेजी की मैडम से संस्कृत के श्लोक का अर्थ पूछ कर आना बता पाएगी वो नहीं ना तो बेटा किसी की शिक्षा को एक भाषा से थोड़ी ना कहा जाता है और तेरी चाची करती क्या है लाली लिपस्टिक लगाने के अलावा उसके दोनों बच्चों को भी अगर अनु टिफिन बना कर ना देना तो रोज भूखे ही जाएंगे स्कूल तू ही बता आज तक कभी चाची ने तुम चारों को कुछ पढ़ाया है कौन तुम्हारा होमवर्क कराता है कौन पढ़ाई से लेकर खाना कपड़े हर बात का ख्याल रखता है मुझे माफ कर दो दादी मैंने तो ये सब कभी सोचा ही नहीं था आप सही कहती है मेरी माँ जैसा और कोई भी नहीं है मैं आगे से कभी मम्मा के बारे में ऐसी बात नहीं सोचूंगा अनु बस बहुत पीस चुकी तू तो इस घर गृहस्थी में अब समय आ गया है कि तू भी अपने ऊपर ध्यान दे वरना इस तरह तो ये समाज तुझे बिल्कुल किनारे कर देगा बेटा दूसरों के लिए जीने वाले की कोई अहमियत नहीं होती इसलिए अब तू तो अपने बारे में सोच मैंने आदि की प्रिंसिपल से बात कर ली है वो मेरी पुरानी सहेली है उसके स्कूल में संस्कृत के टीचर की जरूरत है इसलिए आप तो स्कूल में पढ़ाने जाएगी लेकिन मम्मी जी अगर मैं बाहर जॉब करने लगूंगी तो घर कौन संभालेगा क्या तेरे देवरानी है ना बहुत लाली लिपस्टिक लगा ली उसने इतने साल अब तू अपना देख घर वो संभालेगी अनु ने स्कूल में जॉब ज्वाइन कर ली अब वो अच्छे से बानठन कर सवेरे स्कूल के लिए निकल जाती और पीछे देवरानी टीना पूरा परिवार संभालती इंग्लिश देवरानी अब कहीं भी जाती है तो जल्दी जल्दी मैं ऐसे ही बालों का जुड़ा बांध लेती है क्योंकि <laughs> उस बेचारी के पास आजकल ग्रूमिंग के लिए समय कहाँ बचता है <laughs>